जहाँ पर कि मैंने बेड में से नीचे से साफ करने के लिए गद्दा उठाकर साइड पे रखा है जी। ये देखिए इधर उठा के रखा है, उठा के इसके नीचे से और साड़ी अंदर से साफ सफाई की जा सके। तो बहुत गंदा लग रहा था जी मुझे। तो आज सुबह सुबह अभी 8 का टाइम है, बाप को स्कूल में नाश्ता वगैरह पढ़ाया किया, फिर मैंने कहा कि इससे पहले साफ कर लेते हैं, बेड में भी कदे मामा जी उठाएं, इससे नीचे से भी मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगाती हूँ और साफ करती हूँ। फिर मैंने उसके साथ मिलकर जी गद्दे को रखा जी उधर, और इधर से किया सारी सफाई। और मैं सोच रही कि मशीन लगा लूँ, लेकिन बाहर का मौसम जो है ना आज बादल बादल बने हुए हैं, लग रहा है तो दिन एक कर रहा है लगाऊँ एक दिन कर रहा है, लेकिन लगा ही लेती हूँ क्योंकि आज है जी हफ्ता। आपकी हेल्प करने के लिए आ रही हूँ बाबू। आईज देखे, आंखें देखे कितनी स्लो हो रही है। इसकी वजह क्या कि ये बच्ची इतना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है। मैं कपड़े धोगे ना तो मैं ज़रा लेट गई हूँ, तो इसने बोला कि रोटी दे। रोटी माशाल्लाह से 3-4 रोटियाँ पड़ी हुई हैं, घी वाली परांठे पड़े हुए हैं, इसके लिए चाय पड़ी हुई है, दही पड़ा हुआ है, सालन पड़ा हुआ है। इसने बोला रोटी दो, मैं उठ के रोटी देने लगी, कहती मैंने नहीं की ये खाना, कहती है कि मैंने रोटी खानी है कि चीनी वाली रोटी खानी है। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा रोटियाँ पड़ी है ये वाली खा लो, लेकिन इस बंदी ने ना सुनी नहीं, इतना ऊंचा चलो। फिर इसकी आप ही कहती है, छोटी आप ही कहते हैं मैं बना दे, मैं चलो ठीक है आप बना दो, क्योंकि मैंने कपड़े तो ही मेरा दिल करता मैं लेट जाऊँ, तो लेकर आप ही इसने बोले। तो इसने इतनी ऊँचे वाला है कि आप ही नहीं बना सके। मैंने मामा के आगे हूँ, फिर मैंने बोला कि चलो तुम आटा गूंद दो तो मैं इसको रोटी बना दूँ, कहते नहीं मामा ने ही आटा भी गूंदना है। ये मैंने कहा फिर मैं ना गुस्से से अंदर चली गई,
इतना फिर भी रोई है, फिर इसकी बढ़िया भी उठ के आई है कि मैं तुम्हें बना के देती हूँ, मेरी अपनी शहजादी को मैं रोटी बना के देती हूँ। लेकिन फिर भी इसने जी मानना ही नहीं, तो कहती है मामा रोटी बना। फिर मुझे ना इस मासूम चेहरे पर ना तरस आई, तब मैं अभी से खीदी वाली रोटी बना के देने लगी। इसकी हरकत है किधर, इतना तंग कर रही है बाप, इसने बहुत तंग किया मुझे आज। चलो माशाल्लाह से लौट गई हमारी, इतनी पड़ी हुई है ना ये देख। लेकिन उसका दिल जो मूड है वो खाने को हो रहा है जी, चीनी वाली मुझे रोटी बना के दे। तो अब मैं दूंगी भी आटा सिर्फ इसके लिए, और इसकी जिद है मामा आपने ही आटा गूंदना और आपने बना के दे दिया। हम माँ बाप को तंग करते हैं और फिर काम को कहते हैं कि हम ऐसे ही बड़े हो गए हैं। माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या करता है। वैसे भी 3-4 दिन हो गया, दीन साहब जो है इसके पापा साहब है, 3-4 दिन हो गए उनकी तबीयत खराब थी। जिस दिन की तबीयत खराब है अब बेहतर है, लेकिन इतने चिड़चिड़े हो गया उन्हें भी बहुत। हाँ तो दो दिन उन्होंने आपको ठंडक दी है, गर्मी तो फिर दी है। यहाँ पर आपको चारपाई को देख कर अंदाजा लगा रहा होगा कि शाम का टाइम हो गया, कूलर में भी पानी डाल दिया, बिस्तर वगैरह भी लगा दी है। तो अभी मैं बनाने लगी थी रोटी, तो मैंने कहा चले रोटियाँ बना लेते क्योंकि सालन वगैरह नहीं मैंने अभी बनाना, क्योंकि देख नदीम साहब आ चुके हैं हुए जी, तो आधी दवा दे आएंगे बाजार से। तो मैंने कहा चले रोटियां बना दी, तो क्योंकि बाजार की जो तंदूर की रोटियां ना, कोई भी रोटियां ना बाजार की बच्चे वेले नहीं खाते और खुद नदीम साहब भी नहीं खाते। किसी वक्त मजबूरी हो तो मंगवा भी ले ना, तो मुँह स्वाद कर तो खाते हैं जी। तो इसलिए मैंने कहा जी चले रोटी तो घर पर बना लेते हैं और देखे साधन क्या लेके आते हैं। आटा कब गूंदा था? क्या आटा कब गूंदा था? मैंने अभी जब आपको तो जब मैं कपड़े धो रही थी तो उस वक्त तो जरा भी वो नहीं थी, हवा इतनी ज्यादा थी। तो जब कपड़े मैं उतार के लिए बाद में धूप इतनी तेज थी। मम्मी ये जैसे पेड़ा आप बनाते हो मुझे नहीं बनाना आता। तो बनाओगी तो आएगा ना, सीखोगी तो आएगा ना, इसलिए मैंने बनाना नहीं फिर बनाऊंगी। अच्छा जी मैं आपसे एक बात बता दूँ, शादी से पहले मुझे सब कुछ आता था, क्योंकि घर घर की कुकिंग जो है ना मैं ही करती थी, सब कुछ बेहतरीन करती थी। मेरे घर में मेरे अब्बू को सबको ना जो सबको रिश्तेदार थे मेरी कुकिंग बहुत पसंद की जाती थी, तो मैं खुश थी कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो कुकिंग सारण गाय तो उन्हें पसंद आया, लेकिन मेरी रोटी जो है रोटी मेरी बेटी ने पा दी मुझे रोटी की बात याद आ गई है। तो रोटी जो थी ना मेरे ससुराल में पसंद नहीं थी, क्योंकि ये बनाते थे बेलने पर मेरे जो ससुराल वाले थे, तो मैं बनाती थी हाथ से। तो इनको लगता था कि मैं रोटी जो मोटी बनाती हूँ बड़ी बनाती हूँ, ये बनाते थे बेलने पर और पतली मसन फुल होली छोटा सा मेरा लेकर बनाते थे। तो फिर वो जी आसा फिर मैंने भी ना मैं बेलना पहले शादी से इस्तेमाल नहीं थी करती, शादी के बाद फिर मैंने ना इनके पसंद के लिए ना बेलने का इस्तेमाल करना शुरू हो गई। फिर आसा था जिनको मेरी रोटी पसंद आना शुरू हो गई। वाह वाह पेरे से कितनी तो ये हाँ, तो आप कह रही हो कि मामा आप जिस तरह पेरे करती मुझे नहीं बनाने आते, तो मैं आपको इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे पता है ना ससुराल में जाके ना दोबारा से सीखना पड़ता है। जितनी मर्जी कुकिंग आती हो जो भी आता हो दरबार ससुराल में जाके ना, सॉरी जी मैं कह रही थी दरबार में जाके
अच्छी बात है ना, सीरियस नहीं रहने देती आप। आज का व्लॉग मेरा बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करे, अच्छे अच्छे मेरी हौसला अफजाई करिए और फुल वॉच कर दिया करे। हमेशा अपनी आपकी दुआओं में याद रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।